ओके एवरीवन, सो माय नेम इज अवन भाई। आज अपन माइनक्राफ्ट के अंदर 100 डेज में मैंने क्या क्या कर लिया बातें करता हूं, तुम लोग आ जाओ फिर बातें करते हैं यार। तो गाइस तुम देख सकते हो मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, ये जगह तुमने कभी पहले देखी नहीं होगी मेरे वर्ल्ड में, ठीक है ना यार। ये गाइस मेरा खुद का सर्वाइवल वर्ल्ड वाली जगह है, ठीक है ना, मतलब तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, बिकॉज गाइस ये मेरा रिस्पॉन पॉइंट था यार। एक समय था जब यहाँ पे अपन स्पॉन हुए थे, पहली बार इस वर्ल्ड में दाखिल हुआ था मैं, ठीक है ना। तब की बात ही है, तब मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं था माइनक्राफ्ट के अंदर, ठीक है ना। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लड़की बन गया मैं, कोई बात नहीं गाइस, तुम जानते हो देखो अपन एक लड़का है, ठीक है ना। अपन शुरू से लड़के से खेलने, पता नहीं है माइनक्राफ्ट में क्या दिक्कत है, कभी भी मेरे को एलेक्स बना देता है, ठीक है ना। आज अपन बात करेंगे टॉप पहले मेरे 100 दिनों के बारे में, जिसमें मैंने क्या क्या करा, मेरे वर्ल्ड को कैसे कैसे बना लिया है, ठीक है यार। लेकिन जो भी अपने को इस तरफ जाना है, ठीक है ना, बिकॉज मेरे को अच्छे से याद है गाइस, जब पहली बार मैंने वर्ल्ड बनाया था तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बनाया था, एक मस्त टाइप का घर मेरा, ठीक है ना। वो तुम सामने देख रहे हो ठीक वहां पे, आज भी सारा का सारा आइटम गाइस उसकी जगह पर ही है, बिकॉज मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा, याद रहेगा इस सेंस में, एंड आज हम उसको याद कर रहे हैं, ठीक है भाई यार। देखो मेरे को अभी भी अच्छे से याद है कि जब मैं पहले माइनक्राफ्ट में आया था, उस घर को बनने से पहले गाइस बहुत बार मरा हूं, ठीक है ना। मतलब मैं बता नहीं सकता तुमको मैं कितनी बार मरा हूं, एक दिन में मैं 4-4 बार भी मर चुका हूं यार। बट फाइनली मैंने ये घर बनाया था, इसने मुझे राह की सांस दिखाई है। राह की सांस, समझ गए ना तुम मेरी भावनाओं को, बस वो जरूरी है। तो यहां से हम सबसे पहले चलते हैं इस तरफ, ओके, एंड ये रहा गाइस मेरा। अरे मेरे पास कुत्ता भी है क्या, मेरे को याद नहीं था भाई, मेरे को लगा मेरा कुत्ता उधर ही है। नहीं नहीं गाइस, मेरे पास एक और कुत्ता है, क्या बात है यार। तो ये अपना एक पालतू कुत्ता था, ठीक है, उस टाइम पर तो यहाँ बैठा रहे, आज भी गाइस यहाँ पे बैठा रहता है, हमारे घर की रक्षा करता है, ठीक है ना, एंडरमैन से, ज़ॉम्बी से, और क्रीपर से तो खैर देखो कोई भी नहीं बच सकता, वो तो चीज़ जोरदार है, ठीक है, तो उससे तो नहीं कर पाता ये। तो ये पहले मैंने अपना घर बनाया था, ये देख रहे हो तुम, सबसे पहले फर्नेस एंड क्राफ्टिंग टेबल अपने रखी थी यार। एंड यहाँ से तुम अगर इस तरफ जाओगे गाइस, तो ये अपना चेस्ट है, इसके अंदर ये देख रहे हो वुडन स्वॉर्ड, वुडन वगैरह सारे आइटम भाई मैंने जैसे मेरे को मिले थे वैसे रख दिए, ठीक है ना यार। ये वही आइटम है जो सबसे पहली बार मैंने गेम खेला था तब रखे थे, पहले दिन में मैंने, एंड उस टाइम ये रहा मेरा घर, ठीक है ना। देख रहे हो चालू होने से पहले खत्म हो गया। अरे यार उस टाइम पर ना, मतलब इतना को पता नहीं था, मैंने सबसे पहले ये बनाया, मेरे को लगा फालतू में टाइम लगेगा, जल्दी सो जाते हैं रात में, तो मैंने 2 ब्लॉक तोड़ करके बेड बिछा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये गाइस मेरा पहला वो घर है जो मैंने बनाया था शुरू में यार, मेरे सर्वाइवल वाले दिनों में। एंड उसके बाद में गाइस मैंने ऊपर नीचे गया था, आसपास मैंने एक्सप्लोर भी करा था जितना मेरे को याद आ रहा है, ठीक है ना यार। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली मैं तुमको बताऊं तो मेरे को यहाँ पे ये कुत्ता मिला था, ठीक है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बहाया भी था। देखो ये मेरे अभी तक प्लैंक लगा रखे हैं यार, यहाँ पर ये कुत्ता मेरे को मिला था, मैंने इसको टेम करा था, क्लेवर माइंड तो शुरू से, ठीक है। अपना दीवार लगानी जरूरी है भाई, नहीं तो कोई भी ज़ॉम्बी क्रीपर फूट सकता था, इसलिए मैंने दीवारें यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन लोगों ने अपना असली वर्ल्ड क्रिएट कराया यार, जो कि मैं बताऊं तुमको, जो कि जहां पे मेरा कैसल टावर है, जितने भी फार्म है, आयरन फार्म, क्रीपर फार्म, सब वहां पे मैंने बनाए थे। मेरे को ना यहाँ सबसे पहले जाना था कोई ना कोई विलेज ढूंढने के लिए, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता था मैं पहले माइनक्राफ्ट खेल चुका था, तो मेरे को पता था कि देखो विलेज की जरूरत पड़ेगी, बिना विलेज के अपनी पार पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने विलेज ढूंढने के लिए निकला मैं इस डायरेक्शन में, ओके, एंड देन मैं इधर बढ़ता रहा, बिल्कुल बढ़ता रहा, एंड मेरे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा अभी, वो देख रहे हो गाइस, वो रहा अपना खुद का यार, जो मैंने पूरा अपना साम्राज्य बनाया था ना, वो यहाँ पर ही है यार। तुम समझ पा रहे हो मेरे पुराने वाले घर से, अपने रिस्पॉन पॉइंट से कितना पास में गाइस अपना साम्राज्य, यही तो बात है भाई अपनी। इसलिए मैं कभी मर भी जाता हूँ ना, इनकेस यदि मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं करा तो मैं मर भी गया, तब भी गाइस मैं ज्यादा दूर को चलना नहीं पड़ता, बिल्कुल पास से काम बन जाता है। एंड अभी हम यहाँ से कूदेंगे सीधे पानी के अंदर, अभी चलते हैं गाइस अपन डायरेक्टली यार अपने साम्राज्य के अंदर भाई साहब। ऑल्दो मैं तुम्हें पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि वहां पे सारे की सारी चीजें तो नहीं होंगी, बिकॉज यू नो मैं स्टार्टिंग के 100 दिन में जो भी चीजें बनाई थी वो तुमको बताऊंगा केवल केवल, ठीक है। उसके बाद में अगर तुमको पसंद आया वीडियो, देन अपन अगली चीज लेकर आएंगे, फर्स्ट 200 डेज इन माइनक्राफ्ट यार, उसके अंदर जो अगले जो भी चीजें मैंने बना रखी है, बिल्ड कर रखी है, सारी की सारी मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड मेरे को ना सामने की तरफ से घुसना पड़ेगा, बिकॉज बाकी चारों तरफ तो गाइस मैंने ना फुल बाउंड्री लगा रखी है, तो वहां से तो अपन घुस नहीं पाएंगे किसी भी हालत में, अपने को सामने से घुसना पड़ेगा, बोले तो मैन द्वार जो है ना अपने घर का, वहां से घुसना पड़ेगा। तो देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक टाइट सिक्योरिटी है अपने पास में यार। एंड यहां से अपन पहुंचने वाले हैं गाइस, ये रहा, दिख गया मेरे को, दिख गया, ओके ओके ओके। तो यहां से हम पहुंच चुके हैं ब्रो अपने खुद के घर पर, बोले तो अपने खुद के साम्राज्य में यार। एंड यहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं कि मैंने शुरू के 100 दिनों में क्या क्या चीजें बना ली है, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करता हूं मैं अपनी जगह पर, जब मैं सबसे पहली बार इस विलेज में आया था तो मैंने कहां पर रुका था एंड क्या कर रहा था, वहां पर सबसे पहले चालू करते हैं अपन, चलो। बट उससे भी पहले गाइस थोड़ा सा खाना खा लिया जाएगा, बिकॉज मैं मर जाऊंगा नहीं तो अभी, एक मिनट रुको। तो गाइस खाना हम लोगों ने खा लिया है, ठीक है ना, अभी यहां से निकलते हैं अपन, ऊपर की तरफ चलते हैं, चलो। ओके भाई, तो ये रही वो जगह जब मैं पहली बार यहां पर एंटर हुआ था इस विलेज के अंदर, ठीक है ना। मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जैक्टली यहाँ से पीछे की तरफ देख रहे हो, यहाँ से मैं एंटर हुआ था इस विलेज में यार, इस जगह से एग्जैक्टली, ठीक है ना। सबसे पहला घर मेरे को ये दिखा था, पहले यहाँ पे विलेजर रहा करते थे, देन अपन आ गए यहाँ पे, अपन ने इसको साम्राज्य बना दिया, विलेजर को मैंने कैद कर लिया जो कि बड़ी अच्छी बात नहीं है। ओ भाई एक विलेजर बाहर कैसे घूम रहा है बे,
तेरे तेरे को बाहर किसने छोड़ा भाई, मेरे को नहीं पता रे कहाँ से आया, बट कोई बात नहीं, इसको गोली मारो तुम, ठीक है ना। अभी मैं तुमको दिखाता हूँ गाइस एग्जैक्टली मेरा वर्ल्ड यार। तो ये कुछ पहले 100 दिन में मेरा वर्ल्ड कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल हाइट से तुम देखना चाहोगे अगर। सबसे पहले मैं तुम सभी लोगों को एक एक चीजें बताता हूँ दूर दूर से, ऐसे मोटा मोटा, ठीक है ना। ये मेरा हैंगिंग हाउस है, ठीक है ना, ये तुम देख रहे हो गाइस, ये मेरा मॉडर्न हाउस था यार, ये मेरे वीट फार्म हुआ करते थे, ये मेरी लाइब्रेरी है, ठीक है ना, ये रहा कैसल गेट, ये कैसल टावर है गाइस, वो क्रीपर फार्म है, और भी बहुत सी चीजें, मैं एक एक करके तुमको सारी चीजें बताने वाला हूँ वापस से, ठीक है ना यार। देखो सबसे पहले जब मैं आया था तो मैं इस वाले मकान में रहा था, ठीक है यार, एंड यहाँ पर मेरे कुछ आइटम भी पड़े हुए हैं, तुम देख सकते हो, स्लाइम बॉल पड़ी है मेरे पास में, ये ओक सैपलिंग वगैरह सारी चीजें ये पड़ी है, एंड उसका रीजन मेरे पास कुछ खास ही था, बस मेरा मानना था मैं ऊंचाई पर रहूंगा तो मेरे साम्राज्य कॉन्स्टिट्यूशन देख पाऊंगा, ठीक है, कौन मेरे लिए कैसा कैसा काम कर रहा है यार। तो सबसे पहले हम गाइस इस वाले यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे काम करा करते थे, मेरी फर्नेस थी, क्राफ्टिंग टेबल है, इनको मैंने एज इट इज रहने दिया है। देन उसके बाद में कोई याद है कि ऐसे गिरू नहीं मैं, इसलिए मैंने लैडर लगाई थी यहाँ पे, ठीक है यार, एक लैडर यहाँ लगाई थी, एंड देन दूसरी लैडर, दोनों में गिर गया यार, मैंने लगाई क्यों यहाँ पे, और दूसरी लैडर गाइस मैंने यहाँ पे लगाई थी, ठीक है ना, ताकि आप, अबे क्या ये, ताकि हम कहीं से भी गिरे नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रहा करता था गाइस इनका फार्म, जो कि मैंने तोड़ दिया था, ठीक है यार। तो सबसे पहले जब मैं आया था इस विलेज के अंदर, ठीक है ना, सबसे पहले जो चीज मैंने क्रिएट करी थी गाइस वो थी यहाँ पर एक मैंने मस्त टिकटॉक हैक बनाया था, ठीक है, तो तुम वीडियो में देख सकते हो, अभी तो है नहीं यहाँ पे, खैर। तो ऐसा मैंने कुछ टिकटॉक हैक बना रखा था उस टाइम पर, ठीक है ना, बड़ा ही ओपी लगा था मेरे को, चारों तरफ से एक स्टोर रूम का भी काम कर रहा था वो, एंड जो भी सामने से घुसेगा वो मरना निश्चित है उसका, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मैंने बनाया था, देन उसके बाद में गाइस मेरे को लगा एक अपने को मॉडर्न हाउस बनाना चाहिए, ठीक है यार, बिकॉज माइनक्राफ्ट के अंदर सब लकड़ियां होती है, हम मॉडर्न काम करेंगे यार। तो हमने कुछ ये वाला अपना मॉडर्न हाउस बनाया था, ठीक है, नीचे की तरफ था इसमें स्टोर रूम यार, ये रहा सारा स्टोर रूम, ठीक है ना, एंड यहां से ऊपर जाओगे ये आता था अपना ग्राउंड फ्लोर गाइस, जहां पे अपने अभी कुत्ते बैठे होते हैं ना, चॉप द माफिया बैठा है, इसका नाम अभी तक नहीं रखा है, बाद में रख दिया जाएगा, ओके। एंड यहां पे मेरे कुछ आर्मर वगैरह थे, सामने घूमने के लिए मैंने बालकनी टाइप की छोड़ी थी, एंड इसके ऊपर भी गाइस एक फ्लोर, 3 फ्लोर का टोटल काम था, यहां पे अपना बेडरूम था, ठीक है, तुम देख सकते हो मस्त वाला बेड, डबल बेड अपने लगाए थे, एंड यहां पे बालकनी निकाल रखी है बिकॉज मेरे को बालकनी ज्यादा ही पसंद है, ठीक है, तो ये मैंने निकाल रखी थी। एंड गाइस इसके बाद में ये अपना कुछ इस तरह से बना था अपना फाइनली मॉडर्न हाउस। उसके बाद मैंने सेकंड चीज बनाई थी खाने के लिए, वो थी गाइस ये अपने फार्म यार, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक फार्म मैंने अगली चीज बनाई थी गाइस, बड़ा ही ओपी बना था, बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में, ठीक है ना, एंड बहुत दिमाग भी खर्च हुआ था खामा का मेरा, बट जितना भी टाइम लगा, जितना भी दिमाग खराब हुआ, सब वर्थ रहा गाइस, बिकॉज यार ये कोई आम फार्म नहीं है, ठीक है ना, तुम देख पा रहे हो अलग तरीके का फार्म है यार, बोले तो यहां पर तुम देख रहे हो ये जो पीछे की तरफ जो आइटम है ना, जितना भी पानी है गाइस तीनों में स्टोर कर रखा है मैंने, यहाँ पे उग रही है गाजर, ये पोटेटो है, एंड इसको ऑटोमेटिक मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक बार मेरे को अंदर से लीवर खींचना पड़ेगा ये वाला, एंड उसके बाद में गाइस सारा का सारा पानी रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, एंड सारा जो भी आइटम है ना, सारी फसलें टूट कर अपने चेस्ट में गाइस इजीली आ जाया करेंगे, तो देखना भी धीरे धीरे, ये देख रहे हो ये वीट आना, ये सीड आना स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, ये कैरेट आ रही है इस तरफ से, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा मस्त अपने फार्म बनाया था यार, ये बहुत ही ओपी लगा था मेरे को ये, एंड ये पोटेटो भी आ रहे हैं गाइस, तो ये कुछ अपने फाइनली बनाया था अपना पहला ऑटोमेटिक वीट फार्म, एंड तुम कह सकते हो काइंड ऑफ पहली ऑटोमेटिक चीज अपने वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद हम हर चीज ऑटोमेटिक बनाते रहे सिवाय एक चीज के, जो कि मैं चाह रहा था ऑटोमेटिक बने लेकिन वो बन नहीं पाई गाइस, वो है अपना शुगर केन फार्म। मैंने उसको देखो काफी ट्राई करा बनाने के, लेकिन भाई पता नहीं क्यों उसमें बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड हो जाती है इसकी, ठीक है ना। तो मैंने डिसाइड करा कोई बात नहीं, हम नॉर्मली इसको बनाएंगे, मैं सैंड लेकर आया था मस्त, एंड देन उसके ऊपर उगा दिए थे मैंने यहाँ पे शुगर केन यार, तो मैंने इसको कुछ ऐसे रहने दिया था, ठीक है ना। तो ये दो चीजें मैंने तुम लोगों को बता दी जो मैंने अपने वर्ल्ड के अंदर बनाई थी, पहली चीज हो गई मॉडर्न हाउस, दूसरी ये रही, तीसरी गाइस मैंने बनाई है अपनी लाइब्रेरी, ठीक है यार। देखो मेरा कोई मूड नहीं था लाइब्रेरी बनाने का, ठीक है ना, पहले पहले मेरे को चाहिए थे कोई भी सीक्रेट रूम एंड माउंटेन हाउस टाइप का मेरे को बनाना था, देन मैंने सोचा देख हाउस बाहर रखने से कोई फायदा नहीं, अपन एक काम करते हैं लाइब्रेरी बना लेते हैं, एंचेंटमेंट कर लेंगे वहां पे। तो ये गाइस कुछ मेरी सीक्रेट लाइब्रेरी है, ठीक है ना, ऐसे अंदर घुसते हैं यहाँ पे, ऐसे ये बंद हो जाएगी, एंड देन तुमको ऊपर की तरफ जाना है, एंड यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होगी गाइस मस्त लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी किताबें ही किताबें, पढ़ाई की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है ना, एंचेंटमेंट हम करते रहते हैं, एंड भाई देखो क्या लुक आ रहा है ना, बिल्कुल ओपी लुक आता है। अगर तुम्हें सामने से दिखाऊं ना गाइस, तो सामने की तरफ से भी मस्त लुक आ रहा है, फुल कांच लगाया मैंने, प्लेन कांच सामने की तरफ, ठीक है ना, यहाँ से भी मैं गाइस नजर घुमा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी मजाक तो नहीं कर रहा है मेरे साम्राज्य के अंदर, किसी ने हमला तो नहीं कर दिया इस तरीके का। तो 3 आइटम अभी तक हो चुके हैं गाइस मेरे पास में, मतलब बड़ी कूल लगती है यार, ये कोई बोल नहीं सकता गाइस रास्ता कहाँ है यहाँ पे जाने का, ये मस्त रास्ता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक है यार, ये बड़ा सीक्रेट डोर टाइप का है, ठीक है ना। ये तीसरी चीज मैंने बनाई थी भाई, एंड गाइस उसके बाद मैंने बनाया था ये मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बना दिया था, ये एक्वेरियम टाइप की चीज है, ठीक है ना, कोई जोरदार चीज नहीं थी, बट ये बड़ी कूल लग रही है, देखो एस्थेटिक क्या मस्त है ना इसके, फुल स्क्वायर शेप में पानी, मेरे को नहीं पता किस तरीके से लेकिन पानी अंदर ही फंसा हुआ है, ठीक है ना। एक पौधा मैंने अंदर उगा रखा है इसमें, तो भाई ये भी काफी एपिक लगा था मेरे को, ये काइंड ऑफ टिकटॉक हैक मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो ये 3-4 आइटम भी मैं तुमको बता दिए। इसके बाद में गाइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम आया था, जो कि तुम उधर देखोगे, वो रहा अपना एनिमल
एनिमल फार्म, ठीक है, ये मैंने बनाया था गाइस इनके रहने की जगह यार। एंड भाई इसको बुलाने में बड़ी मेहनत लगी थी, उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ देखो। एंड अगर मैं तुमको इसको साइड से दिखाऊंगा ना भाई, तुम देख सकते हो उसका थोड़ा टेक्सचर ना ऐसे ऊपर जाके देने नीचे की तरफ आता है। एंड भाई पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है, देखो पीछे से भी काफी ज्यादा ऊपर लग रहा है यार, ये बड़ा स्टेयर केस टाइप का लग रहा है ना, इसको उन्होंने बड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन फाइनली काफी बढ़िया दिखता है मेरे को आज भी, ठीक है ना। आज भी मेरे को मेरे पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही ज्यादा मस्त दिखता है, दिखने में लुक्स बड़े प्यारे हैं इसके, ठीक है ना, बहुत ही क्लासिक डिजाइन है इसका। तो ये चीज हो गई थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद में हमको नसीब हुए थे गाइस हमारे स्केलेटन हॉर्सेस, यार मेरे को भी अच्छे से याद है। मेरे को सबसे पहले ना, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, देन बारिश हो रही थी, एकदम से बिजली कड़की, पहला स्केलेटन बंदा आया, ठीक है ना, वो बंदा ऐसे घोड़े को बैठा हुआ था, देन मैं उसके पास में गया उसको मारने के लिए भाई, देन ये तीन चार हो गए थे, इनको मैंने स्केलेटन को तो मार दिया, लकीली मेरे को ये मिल गए, ठीक है, हॉर्सेस। पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरे को बड़ा कूल लग रहा है, मैंने प्यूडीपाई का देखा था तो मेरे को बड़ा पसंद आया था, तो मैंने कहा यार अपन को भी एक एक्वेरियम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड वहां से अभी गिराया गाइस क्रीपर, क्रीपर फार्म की भी बात करेंगे, बट उससे पहले अपन बात करेंगे गाइस अभी ये विलेजर वाले हाउस की, ठीक है ना भाई, ये बड़ा ओपी है यार। इस पे गाइस तुम लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आया था, मतलब लिटरली बता रहा हूं मैं इसको इतना अच्छा बनाना चाह नहीं रहा था वैसे, बिकॉज मेरे को लगा मेरे खुद के मॉडर्न हाउस से अच्छा इनका घर तो नहीं बना सकते, बट पता नहीं क्यों इनकी किस्मत को ज्यादा अच्छी है, मेरी कुछ ज्यादा खराब है, ठीक है ना, अच्छा ही बनाया यार, ठीक है। मेरे मॉडर्न हाउस से गाइस काफी बढ़िया बनाया, ये देखो सामने की तरफ मैंने स्टेयरकेस लगाई है, ठीक है, ब्रिक्स की यार, ये आजू बाजू मैंने ग्रेनाइट लगाया है, यहाँ पे मैंने डोरीमोन पता नहीं क्या बोलते हैं इसको मेरे को याद नहीं आ रही है बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस नीचे वाला जो फ्लोर है यहाँ पे ये मस्त लेटा करते हैं, ठीक है यार। देखो सबसे पहले ना मैंने आयरन के गेट लगाए नहीं थे, मेरे को शौक नहीं था इनको कैद करने का, लेकिन भाई ये मरे ही जा रहे थे यार, रात में एक तो बाहर निकल जाते उसके बाद वापस भी नहीं आ रहे थे, रात में पता नहीं ज़ॉम्बी मार रहा था क्या हो रहा था, इसलिए मेरे को इनको मजबूरन गाइस पैक करना पड़ा है, कैद करना पड़ा है, बाकी मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी इनको ऐसे करने की, बट कोई बात नहीं अभी बढ़िया है, चलो अभी सब सेफ है, ठीक है ना, ये लोग भी यार। एंड अभी इसी बार ने पता नहीं मेरे को क्यों चुल मच रही है, एंड मैंने एक मार चुका हूँ आयरन गोलम को, गोलम आ रहा है, नहीं आ सकता भाई गोलम भैया यार, ओ भाई साहब ये ले बड़ा है मेरे को मारने वाला। तुम देख सकते हो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से नहीं ये घर बनाया था, मस्त दो दो फ्लोर का घर है, नीचे सो ऊपर काम करो, ठीक है ना। एंड मैंने कांच भी लगा रखे हैं ताकि ये लोग बाहर देख सके, एंड ऑब्वियस सी बात है मैं भी इन पे चेक रख सकूं कौन कौन काम करता है, किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसको कंपनी से निकाला जाए, तो सब यू नो मालिक साहब ही डिसीजन लेते हैं सबके यार। एंड उसके बाद में गाइस, ठीक है ना, ये इतनी चीजें मैंने तुमको बता दी, अभी चार या पांच चीजें हो चुकी हैं। एंड गाइस इसके बाद में मैंने बनाया था एक टावर, ठीक है, जो कि टावर इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा एक टावर पहले हमने बनाया था, वो भी बड़ा ही एपिक मेरे को अच्छा लगा था, मॉडर्न टाइप का था, ठीक है, फुल स्क्वायर शेप का भी है नहीं, वो तोड़ दिया मैंने, तो देख सकते हो वीडियो में, वो मैंने टावर पहले बनाया था, ठीक है ना। एंड भाई वो टावर क्या ही लगता था ना, मेरे को तो बड़ा प्यारा था, ऑब्वियसली इससे मतलब इसके बराबर अच्छा नहीं था, लेकिन गाइस उसमें लुक बड़ा मस्त था, ऊपर से यू नो मस्त फुल स्क्वायर था, ओपन टाइप का था, उसको मैंने नेदर बनाया था। एंड देन भाई यार उसके बाद मैंने एक चीज़ बनाई है, वो है हैंगिंग हाउस, ठीक है ना यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ बनाई थी मैंने, मैं तुमको दिखाता हूँ जाने का रास्ता, इसका रास्ता गाइस तुम्हें यहाँ नीचे उतरना होगा, एज एन उसके बाद में तुमको यहाँ से चलते जाना है, एंड फाइनली तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ से तुम्हें रास्ता मिलेगा अपने हैंगिंग हाउस तक जाने का यार। तो गाइस ये रहा अपना हैंगिंग हाउस, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे मैंने बनाया, देखो इसके ऊपर तो भाई माउंटेन ही खत्म हो जा रहा है, तो मेरे को इतना ही ऊंचा बना सकता था मैंने बनाया इसको, तुमको यहाँ से यहाँ पे कूदना है, उसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ जाना है, मैं तो हमेशा फंस जाता हूँ भाई, ठीक है ना, पता नहीं क्यों, अबे जाना, ओके बहुत बढ़िया। तो गाइस तुम देख रहे हो ये रहा अपना मस्त वाला हैंगिंग हाउस, देखो मैंने बोला तो ये था कि चॉप द माफिया का घर रहेगा, लेकिन मैंने इसको बाद में कब्जा कर लिया था अपने अंदर, ठीक है ना यार। तो ये फाइनली मेरा है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, अच्छा रखा है क्या, ओके मेरे को पता नहीं था भाई, मैंने कुछ आइटम भी रख रखे यहाँ पे, एक इसमें एस्केप के लिए भाई कोई भी जगह नहीं है, ठीक है ना। अब तुम सोचो भाई आपको जाना होगा तो ऊपर से तो जरूरत नहीं है उसकी, बिकॉज वी हैव क्लेवर माइंड, तो हमने गाइस एक मस्त शॉर्टकट तरीका निकाल रखा है यहाँ से नीचे उतरने के लिए, तो तुम्हें जंप मारना है यहां से, एंड देन तुम पहुंचोगे पानी के अंदर। गाइस दिस इज ऑल अबाउट माइंड यू नो, तो यहां से तुम देन बाहर आ सकते हो, तो भाई वो भी काफी बढ़िया। एंड 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 अब मैं तुमको बताऊंगा गाइस वो चीज जो कि मेरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाली चीज थी ना, वो चीज अभी है नहीं, लेकिन वो चीज थी गाइस ब्रिज, ठीक है ना। मैंने एक बहुत ही एपिक ब्रिज बनाया था भाई, बहुत दिमाग लगाया था, अच्छा था, ठीक है ना, सोबत एक बात यह है वो ब्रिज गाइस एक टावर था उसको एंड इसको कनेक्ट करा करता था यार, तुम देख सकते हो वीडियो के अंदर भाई, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रिज था, ठीक है ना। एंड मैंने ब्रिज बनाया था ताकि गाइस मैं इजिली, देखो मैं खुद तो ना इजिली अपने हैंगिंग हाउस में जा सकता हूँ, लेकिन मैंने ब्रिज बनाया था स्पेशली चॉप द माफिया के लिए, ताकि वो ब्रिज पे चढ़ के यहाँ पे जा पाए, नीचे नहीं गिरे, लेकिन वो ब्रिज ऐसा भी नहीं था कि वो चॉप द माफिया को बचा ले, ठीक है ना, बिकॉज वो ब्रिज के चारों तरफ मैंने फैंस गेट लगाए थे, एंड चॉप द माफिया भाई उसके ऊपर चढ़ जाता है पता नहीं कैसे यार, ठीक है ना, तो वो भी खास काम का निकला नहीं, लेकिन दिखने में बड़ा ही कूल लगता था वो, ठीक है ना। फाइनली जब मैंने टावर को हटाया था, मैंने ब्रिज को भी तोड़ दिया था यहाँ से यार, एंड उस टावर की जगह गाइस हमने बनाया अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन दिखने वाली चीज, ये वाला टावर, ठीक है भाई, ये तो यार
पूरी जान है अपने साम्राज्य की, ठीक है ना। मतलब इसके बाद में लुक आया था भाई असली साम्राज्य टाइप का, एंड जब इसके ऊपर सूरज आता है ना अलग ही माहौल बन जाता है भाई। एंड देन गाइस यहाँ से स्टेयर्स जा रही है, तुम्हें ऊपर चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चलो 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 चलो। एंड फाइनली यहाँ पर तुम आओगे जब तुम्हें दिखेगा गाइस एक मस्त वाला फ्लोर। एंड भाई ऑल्दो मैं इसमें आता बहुत ही ज्यादा कम हूँ, मैं ज्यादा बार नहीं आता हूँ बिकॉज यहाँ पर नेदर भी है तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, आवाजें वगैरह आती रहती है खाली दुनिया की जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ तुम देख सकते हो चेयर वगैरह है एंड अपनी बुक वगैरह है, एवरीवन माय नेम इज आरवर्ड भी लिखा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम आके पढ़ाई कर सकते हो एंड ये खाली चेस्ट है, कोई बात नहीं, दिखने की बात है ना, दिखना अच्छा चाहिए, बस वही बात है। एंड देन भाई उसके बाद में हम लोगों ने बनाया ये गेट, तुम देख रहे हो भाई ये कोई आम गेट नहीं है ब्रो, इसके अंदर भी बड़ा ही दिमाग लगाया गया बिकॉज ये यहाँ से बंद हो चुका है। एंड देन अगर तुम यहाँ पे इसको खोल के एंड देन यहाँ पे प्रेस करते हो तो गाइस ये गेट अपने आप खुल जाएगा। देन मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ एंड यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये गेट लग जाता है एंड देन भाई मेरा साम्राज्य बिल्कुल सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। मैं बाहर जाके घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है ना, ज़ॉम्बी वगैरह को मारने के लिए, एक्सपी लेने के लिए। देन वापस आने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां से खोल के देन इसको यहां से प्रेस करना है, वापस से गेट उठ जाएगा, ठीक है। एंड देन अंदर आने के बाद में फिर से इसको प्रेस करके गेट बंद कर देना है भाई। बड़ी एपिक चीज है ये, मैंने किसी के भी वर्ल्ड में नहीं देखी अभी तक भाई, ऑटोमेटिक गेट, लेकिन अपन हर काम ऑटोमेटिक करते हैं तो मेरे को बड़ा ही पसंद आया। ये लुक वाइज भी काफी डिसेंट टाइप का लगता है, ठीक है ना, ऐसे साम्राज्य टाइप का लग रहा है, थोड़ा बहुत मेरे को चाइनीज टाइप का लगता है ये, ठीक है, चाइनीज का किंगडम होता था ना उनके टाइप का लग रहा है, लेकिन जो भी है बढ़िया लगा मेरे को, ऑटोमेटिक काम कर रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा एपिक है, ठीक है ना। इसमें भी काफी दिमाग लगाना पड़ा था मेरे को, तो क्या इसको 2-3 दिन लग गए थे मेरे को समझने में। देखो अगर मैं तुमको दिखाऊं उसका मैकेनिज्म तो दिख रहे हो तुम, ऊपर स्टिक पिस्टन है, ऊपर उठ जाते हैं तो गेट खुल जाता है, नीचे आते हैं तो गेट बंद हो जाता है, थोड़ा सा ये है, ठीक है ना। एग्जैक्टली क्या है तो इतना तो मेरे को भी याद नहीं है अभी बिकॉज बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। एंड देन गाइज इसके बाद मैंने बनाए थे हर एक जगह पर टावर, ठीक है ना। मैंने कहा वॉच टावर की भी जरूरत है गाइज, कोई हमला करते कल को, तो मैंने हर जगह पे एक वॉच टावर बनाया है ऐसा। देखो इसके अंदर तुम जा सकते हो एंड देन अंदर घुस के गाइज ऊपर उठ के तुम ना मस्त तरीके से निगरानी रख सकते हो भाई, कोई भी अगर सामने से हमला करे, इनकेस यदि कभी रेड पड़ रही हो अपने यहाँ पे तो अपन यहाँ पे जा करके लोगों को मार सकते हैं इजीली, ठीक है ना। कुछ कुछ मतलब ऐसे तो नहीं फेंक के मारना है, लेकिन आप ऐसे धनुष से तीर कमान चला सकते हो, यू नो, तुम समझ गए ना उस तरीके का। ओके तो ये भी काफी बढ़िया लगा मेरे को, यार मैंने यहाँ पे झंडे बनाने की कोशिश करी है रेड कलर का, मतलब ऐसे ही मेरे को लगा कुछ ना कुछ बनाना चाहिए अपने को, तो ये फाइनली कुछ ऐसा बनाया अभी तक, ठीक है ना। एंड ऐसे ही मैंने दो और बनाए, ठीक है ना, सामने की तरफ मैंने बना दिया, मैं सोच रहा था साइड में बनाऊंगा लेकिन उसके बाद में मैं भूल गया बनाना, तो बाद में कभी बना लेंगे अपन। तो अभी तो इतना मैंने कुछ बनाया है, ठीक है ना, स्टार्टिंग के 100 दिनों में। एंड अभी मैं तुम्हें और चीज बताऊँ, अरे एक चीज तो मैं भूल गया, रुको रुको रुको, ये भैया तो मैंने काफी पहले बना लिया था, मेरे को एक्जैक्टली तो याद है लेकिन काफी पहले मैंने उसको बना लिया था, ठीक है ना। एक्जैक्टली क्या आई है, तो यहाँ से गाइस तुम नाव में बैठ करके सीधे पहुंचोगे समुद्र के पास, ठीक है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है समुद्र से, यहाँ से अब तुम्हें चलते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से गाइस ये जो जा रही है ना पूरी की पूरी रिवर टाइप की, ये समुद्र से मिल जाएगी आगे जाकर के, ठीक है ना, बहुत आगे जाकर कभी ना कभी तो मिली जाएगी। तो मैंने सोचा देखो अपने घर से जाएंगे समुद्र के लिए कभी भी, तो अपने को कुछ चीज चाहिए, ठीक है ना, जिसके थ्रू कनेक्ट कर पाऊं मैं। तो मैंने ऐसे एक तरह से तुम वाटरफॉल टाइप का मान सकते हो, छोटा सा प्यारा सा मैंने बना दिया, ठीक है ना, मेरे को बढ़िया लगा था फाइनली ये, तो ये कुछ अच्छा निकल के आया। उसके बाद में हमने एक और फार्म बनाया एंड वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्रीपर फार्म जिसकी शक्ल क्रीपर टाइप की है, तुम देख रहे हो ये वो फार्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, ये गाइस मैंने क्रीपर फार्म बनाया था एक। एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म क्या है कि मैंने 5-6 लेयर लगाई है, हर लेयर के अंदर एक 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 मैंने बिल्ली बिठा रखी है एंड पानी लगा रखा है, तो जो भी क्रीपर वहां पर स्पॉन होता है बिल्ली को देख करके डर जाता है, बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता तो क्रीपर को बिल्ली से डर लगता है, ठीक है ना, तो कैट को देख के डर जाता है एंड देन वहां से सीधा नीचे गिरता है एंड देन फॉल डैमेज के थ्रू गाइस मेरे को गन पाउडर मिल जाता है, ठीक है ना। ऑल दे बहुत ही स्लो काम करता है लेकिन मेरे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं गन पाउडर की, तो ठीक है भाई, ठीक है ना। इसमें भाई होपर बहुत ज्यादा खर्च हुए थे मेरे भाई, तुम देख रहे हो कि तो 4x5 भाई साहब 20 होपर लगे हैं मेरे को उसको बनाने के लिए। पहले मैंने ज्यादा नहीं लगाए थे, पहले मैंने एक एक कमी लगाया था, बट कभी क्रीपर बाहर गिर रहा था कभी इधर, तो मैंने कहा थोड़ा बड़ा कर दिया जाए एंड फाइनली मैंने इतना बड़ा ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे क्रीपर फार्म यार। तो देखो मेरे को सबसे पहले माइन मिली थी वो ये माइन है, ठीक है ना, यहाँ से तुम अंदर जाना पड़ेगा बहुत संभल संभल के भाई, मजाक नहीं है, ठीक है ना, ये माइन बड़ी खतरनाक माइन है, केवल केवल बहादुर लोगों के लिए है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हिकड़ी दिखाई ना तो सीधे ही अंदर जाएंगे अपन। एंड भाई सच्चे बता रहा हूँ यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था, ये मैंने कुछ चीजें रख रखी हैं भाई, ओके एक्टिवेटर रेल भी है मेरे पास पावर वाली, ठीक है, एंड यहाँ पे फर्नेस वगैरह यहाँ पे बेड पे लगा रखा है इनकेस मेरे को सोना हो तो, भाई ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली माइन है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज करती है ये। बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैंने इतनी बार इस माइन को घुमा है ना मेरे को याद हो गई ये जगह, ठीक है, ये एग्जैक्टली यार। तो तुमको अगर यहाँ से सीधे मेरे घर के अंदर जाना हो ना तो मैं तुमको दिखाता हूँ जाना कहाँ से। यहाँ से तुम जैसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करोगे ब्रो, तुम सीधे निकलो
लोगे अपने स्टोर हाउस के अंदर, ठीक है ना। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये तुम देख लो, ये अपन आ चुका है अपने स्टोर हाउस के अंदर। तुम्हें याद होगा तो अपन घुसे थे उस तरफ से, निकले इस तरफ से। तो ये थोड़ी कलाबाजी अपन ने करते रहे, ठीक है ना, अपने घर के अंदर यार। तो गाइज ये फाइनली मेरे कुछ 100 दिन थे स्टार्टिंग के माइनक्राफ्ट सर्वाइवर के अंदर। इतनी चीज़ें मैंने बनाई थी, इसके बाद भी मैंने बहुत चीज़ें बनाई है, बोले तो पैरट हाउस बनाया, बी फार्म बनाया भाई, और भी बहुत बहुत चीज़ें बनाई हैं, ठीक है ना मैंने। लेकिन उस चीज़ को मैं तुम लोग को अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, ठीक है ना। सर्वाइवर 200 डेज, कमेंट करके बताना तुम्हें कैसे लगा। खत्म करते हैं इस वाले वीडियो का, आई होप दैट यू लाइक इट। #GameOver, जल्दी हार को स्टार्ट होगा।